हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल प्लांट एंड ब्लूम्स सो गाइस आज का जो वीडियो है मैं अपनी कुछ कटिंग्स पर लेकर के आई हूँ और ये देखिए मेरे पास ये दो कटिंग्स हैं दो नहीं तीन कटिंग्स हैं एक ये देखिए ये, ये बहुत छोटा सा एक मिट्टी का कप है या कुल्हड़ सॉरी कुल्लड़ कहते हैं वैसे से सो ये जस्ट फाइव रुपीस का था लेके आई थी एंड एक बार दो बार यूज़ कर लिया है सो so, मैंने सोचा क्यों ना इसमें कटिंग लगा दी जाए और ये आप देख सकते हैं ये रियो प्लांट है ये इसकी लीव्स देखिए नीचे से पर्पल और ऊपर से ग्रीन और जब ये बुशी हो जाता है ना तो बहुत खूबसूरत लगता है गाइज़ सो so, uh, मेरे पास ऑलरेडी इसका प्लांट है सो so, कुछ पीजेंस आ गए थे आई I मीन mean, कुछ कबूतर आ गए थे तो उन्होंने थोड़ी तोड़फोड़ मचा दी थी और uh, जिसमें मेरा ये प्लांट टूट गया था सो so, मैंने इसकी पानी में ऐसे कटिंग लगा दी थी और ये देखिए इसकी जड़ें <laughs> आप ही देखिए सो so, इसकी ये कटिंग लग चुकी है इसमें रूट्स आ गए हैं आप देख सकते हैं तो मैं इसको इस कटिंग को मैं इस पॉट में लगाने वाली हूँ अपने इस हैंगिंग प्लांटर में और इसके अलावा मैं आपको एक और कटिंग दिखाती हूँ और गाइस आप देख सक देख सकते हैं इसमें मैंने कुछ नहीं मैंने सिर्फ पानी में ऐसे ही कटिंग लगाई हुई है और बाहर छोड़ दिया है और ये ज़्यादा बड़ा नहीं था तो ये इसकी जो लीव्स हैं लीव्स की वजह से ये अंदर पूरा डूब भी नहीं रहा है तो जिसकी वजह से सिर्फ जो इसका नोड नोड एरिया है वो पानी के अंदर है ये देखिए ग्लास बहुत पुराना है गाइज थोड़ा डर्टी है तो प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा बट माई मेन मोटिव इज़ कि आपको मैं दिखाऊं कि रिज़ल्ट पानी से भी हम अपनी कटिंग तैयार कर सकते हैं और ये देखिए और मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है जो कि मैं आपको दिखा भी रही हूँ और दूसरी कटिंग मेरी ये है ये आईपोमिया की कटिंग है ब्लैक आईपोमिया इसका भी जो लीव है थोड़ा डैमेज हो गया है तो ये भी मेरे प्लांट में से टूट गया था और इसकी रूट्स देखिए गाइस इसमें थोड़ी भी कम रूट्स है क्योंकि भी, आ, मैंने भी कुछ दिन पहले ही लगाई हैं और बट फिर भी देखिए इसमें भी काफ़ी लाइक देखिए आप ये नोड एरिया है और इस नोड एरिया से इसमें रूट्स आ रही हैं I don't know guys, ये बार बार ब्लर हो जा रहा है सॉरी तो आप देख सकते हैं इसमें रूट्स आ गई हैं तो मैं सोच रही हूँ इसको यहाँ से कट करके इसको तो पानी में रहने दूँगी दोबारा से इसको लगा दूँगी ताकि कि और अच्छी रूट्स आ जाएं और उसके बाद मैं यहाँ से कट करूँगी और फिर लगाऊँगी चलिए मैं आपको अपनी नेक्स कटिंग दिखाती हूँ हमें इनको बहुत संभाल के रखना चाहिए क्योंकि इसकी रूट्स काफ़ी ये देखिए गाइस इसकी रूट्स देखिए और ये काफ़ी दिन हो गए मुझे इसको लगाए हुए ये देखिए गाइस इसकी रूट्स वैसे गाइज मैं इससे दो प्लांट भी बना सकती हूँ मैं चाहती हूँ चाहूँ तो यहाँ से कटिंग करके यहाँ से फिर मैं लगा सकती हूँ क्योंकि रूट्स इसके इस वाले नोड एरिए से आ रखा है और ये देखिए मैं इसमें दो प्लांट ही बनाऊँगी गाइज़ ये देखिए क्योंकि इसमें रूटिंग बहुत अच्छे से हुई है और इसका एक मैं यहाँ से काट दूँगी मतलब ये मैं यहाँ से काट दूँगी एक प्लांट बन जाएगा और एक मैं यहाँ से लगा दूंगी और ये देखिए इसके नीचे वाले नोड पे भी रूट आई हुई है सो इसकी रूटिंग काफ़ी अच्छी हुई है ये हमारा आ, स्वीट पटेटो वाइन है ग्रीन वाला नियॉन कलर में ये बहुत खूबसूरत लगता है और गाइज मैं ना इस बार क्या करने वाली हूँ इन अपने कटिंग से बने हुए प्लांट्स को मैं इसमें लगाने वाली हूँ और मैं मिक्स इन मैच करने वाली हूँ ये प्लांट स्वीट पटेटो वाइन रियो और ये ब्लैक आई पोमिया मैं तीनों को इस अपने हैंगिंग पॉट में लगाने वाली हूँ और गैस हम डैम श्योर ये ना जब अभी तो ये थोड़े बेबी प्लांट है अभी छोटे अभी कटिंग्स हैं बट जब ये भर जाएगा ना ये इतना खूबसूरत लगेगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी तो चलिए मैं इसको लगाती हूँ और फिर इसके बारे में भी बताती हूँ कि मैं इसको यहाँ पर क्यों लेकर के आई हूँ तो चलिए पहले मैं इसको लगा इसमें आपको दिखाती हूँ सो so फ्रेंड्स ये देखिए मैंने ये कटिंग लगा दी और इसमें पानी दे दिया है और गाइज़ अभी जस्ट ये कटिंग्स लगाई है मैंने इसमें आप ये देख सकते हैं एक मैंने ये कटिंग लगा दी है और मैंने जैसे रूट्स के अकॉर्डिंग दिखाया था तो मैंने एक यहाँ कटिंग लगा दी है एक यहाँ पे लगाई है ये कटिंग और एक मैंने ये कटिंग लगाई हुई है और ये देखिए इसकी ग्रोथ और ये कटिंग थोड़ी ज़्यादा ही छोटी थी तो वो अंदर चली गई है तो देखती हूँ मैं उसको और तो मैंने ये अपना एक पॉट तैयार कर दिया है जो कि खाली था तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें कुछ कटिंग्स लगाए जाए और फ्री के कुछ पौधे बनाए जाएं वो भी उन कबूतरों की वजह से हो गया सो so एनी anyway, तो मैंने ये कटिंग लगा दी है और गाइज ये थोड़ा जब बड़ा हो जाएगा प्लांट और जब ये थोड़ा भर जाएगा मैं आपको ये ज़रूर दिखाऊंगी ये बहुत खूबसूरत लगेगा और इसका जो कॉम्बिनेशन है ग्रीन मतलब ग्रीन और पर्पल का और साथ में ये रियो का प्लांट जो बुशी हो जाता है ये भी ग्रीन और पर्पल का कॉम्बो है बहुत खूबसूरत लगेगा और ख़ास ये ये वाइन ये तो एक तरीके से जैसे कि नियॉन वाइन होती है कि आप देख सकते हैं देखिए इसका कलर और इसका कलर बहुत फ़र्क है साथ में इसका कलर देखिए और इस डार्क ग्रीन का कलर देखिए डार्क I mean, आई मीन रियो का डार्क ग्रीन और ये आपका नियॉन का बहुत खूबसूरत लगेगा सो so, मैं जब ये एक बार तैयार हो जाएगा मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी सो so, आज का जो वीडियो था मेरा इसी लिए था इस पर मैं आपको मैं आ, अलग से एक वीडियो बनाऊँगी और उस पर शेयर करूँगी कि ये मैं यहाँ पे क्यों लाई और क्या रीज़न था तो वो आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो पे पता चलेगा तब तक के लिए मैं चलती हूँ बाय बाय टेक केयर एंड हैप्पी गार्डनिंग गाइस